बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई वीडियो के साथ मैं मकसूद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो बड़ी अहम है, स्पेशली जो लोग कोरिया जा रहे हैं उनके लिए। बात यह है कि अक्सर मैंने देखा है, मैं दूसरी मुख्तलिफ कंपनियों में या फैक्ट्रियों में जाता रहता था, तो वहाँ पे मैं देखता था कि लड़के अपने मालिक से जो बात करते थे, अपने मैनेजर से बात करते थे, तो वो बड़े बदतमीज़ी के अंदाज़ में बात करते हैं स्पेशली। तो होता ये है कि जब वो बदतमीज़ी से बात करते हैं, बदतमीज़ी से कैसे बात करते हैं, वो मेहनती भी बड़े होते हैं, यानी कि वो 6-6 घंटे कम अज़ कम ओवर टाइम कर रहे होते हैं, 5-5 घंटे छोड़ते नहीं है ओवर टाइम, यानी काम फिट कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन उनकी इज्जत नहीं होती। इज्जत ना होने की वजह मैंने देखा, जो ऑब्ज़र्व किया वहाँ पर जा के कंपनियों में, जब जाता था तो उनके मालकान से भी मुलाकात होती थी, वहाँ वो भी होते थे उनके साथ, तो वो ज़बान जो यूज़ करते थे अपने मालकान के साथ बोलचाल में, वो बड़ी बदतमीज़ी वाली होती थी। बेसिकली उन्हें नहीं पता होता था इस बात का, क्योंकि उन्होंने सीखा ही वही कुछ है ना। अच्छा, तो वो ऐसे ही सेम के जैसे हम यहाँ पे तू तड़ाक के लहजे में बोलते हैं, तू तू तू, तो वो अदब की जो ज़बान है वो आप कहा जाता, आप जनाब करके बात की जाती है, तो वो मालकान से भी ऐसे ही बात करते थे तू तड़ाक वाली। वो होता ये था कि वो जैसे ही पाकिस्तानी वर्कर वहाँ जाते हैं, वहाँ पे कुछ पहले होते हैं थोड़े बातें, तो वो वर्करों के साथ या कोरियन के साथ जब बात करते हैं तो वो निगा दीगा, यानी कि निगा दीगा, निगा मुझे कहते हैं, दीगा आपको कहते हैं। ये है आम जो दोस्तों के साथ बोली जाती, जिसमें अदब अदाब नहीं होता, जैसे आप दोस्तों के साथ बात करते हो, ठीक है। और जो अदब वाली ज़बान है उसमें जैसे आप तंगशीनन, ठीक है, और अपने लिए नानन कहा जाता है एक अदब के लिए, एक इस चीज़ के लिए, तो वो तंगशीनन मालिक को कभी भी यूज़ नहीं करते थे, वो वही दीगा कहते थे कि आप दीगा कह के तू कह के बुलाना। तो उससे क्या होता है कि उनकी इज्जत कम हो जाती है। तो कोशिश कीजिए कि जब आप कोरिया में जाएं तो अच्छी ज़बान सीखने की, अदब वाली ज़बान सीखने की कोशिश करें, ना कि जैसे हम कहते हैं ना वो वर्करों वाली, मैं लैंग्वेज उसे कहता था स्पेशली, कि वर्करों वाली लैंग्वेज नहीं समझे, ठीक है ना, उसका सीखने का फ़ायदा नहीं। वो दोस्तों के साथ तो चल जाएगी, आम लोगों के साथ तो चल जाएगी, लेकिन आप इतनी मेहनत करके सारा कुछ करके जब आप मालिक को, मैनेजर को, आपसे कोई भी बात करता है, आप तू कहते हो ना, तो वो बहुत बुरा लगता है उन्हें। वहाँ बड़ों का अदब इतना मस्त है, आप यकीन करो, अगर छोटे से गलती हो जाए, वो अनवाकफ भी हो, बाजार में भी हो जाए, तो बड़ा जब उसे डांट रहा होता है वो वहां पे सर झुका के खड़ा होता है। ये 20 बार मैंने देखा है, वो सर झुका के खड़ा होता है, और ये भी नहीं कि आगे से बहस करेगा कि आपकी गलती थी, आपने यूं किया, आपने यूं किया, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा, बिल्कुल चुप करके थोड़ी थोड़ी देर बाद म्याने हो, म्याने मिदा, यानी सॉरी को कहते हैं ना, तो वो ये बोलेगा, बहस नहीं करेगा। अच्छा, और मजे की सुन ले उनके अदब का, कि जब तक वो बड़ा आदमी उसके साथ गुस्से से बोल रहा है, बात कर रहा है, वो वहां से भागेगा नहीं, जाएगा नहीं, जैसे हम करते हैं। हमारे वालदेन अगर कोई बात कर रहे हो हमसे, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं चल अच्छा, निकल जाते हैं। वहां ये बेअदबी समझा जाता है, वहां जाते नहीं है, चुप करके खामोशी के साथ सर झुका के खड़े होते हैं। जब वो बोलना बंद कर दे या जब वो अपना चेहरा साइड पे कर लेगा, उसके बाद वो जाएगा वहां से, ठीक है। तो ये बड़ा अदब, और बड़ों के सामने जब वो सिगरेट वगैरह भी पीते हैं तो वो बड़े तमीज़ के साथ ऐसे एक, यानी कि ऐसे हम तो बैठे होते हैं अपने वालदेन के साथ या भाइयों के साथ, जैसे दोस्त देखा है मैंने अक्सर, ऐसे सूटे लगा रहे हैं, ऐसा वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ बिल्कुल ऐसे अंदर की तरफ सिगरेट होती है, उसको साइड पर करके ऐसे कश वगैरह करते हैं और साइड पर धुआँ, और हम तो सामने धुएँ धुएँ कर देते हैं, यानी कि वहाँ पर इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखा जाता है। उसके बाद क्या होता है कि आप अपने मैनेजरों के साथ, अपने फैक्ट्री मालकान के साथ कभी भी बहस मत करें, ठीक है ना, क्योंकि बहस को वो पसंद नहीं करते। आप जारी बात है, फैक्ट्री का मालिक है या मैनेजर है, ठीक है, ये लोग वो हैं जो आपको जैसा कहते हैं आप कर दो, जो रिजल्ट निकले उसको वो जानते हैं, आप नहीं जानते, ठीक है। बुरा निकले अच्छा निकले, उन्होंने कह दिया आप कर दो बस, ठीक है, वो इसी चीज़ से खुश होते हैं कि ये बड़ा बाअदब है, जो कहते हैं वो कर देता है, बस ठीक है, बाकी वो जिम्मेदारी अपने सर पे लेते हैं,
ठीक है, इनके काफी सारे, यानी ये साजिंग नीम कहते हैं मालिक को, ठीक है, छाजिंग नीम होता है उनमें, यू देरी होता है, ठीक है, ख्वाजिंग नीम होता है, यानी ये ओदे हैं, ठीक है, ये आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हैं, तो वहां पे इसका खास ख्याल रखें। और स्पेशली आप अगर दाढ़ी रखी हुई है तो ठीक है, माशाल्लाह, उससे आपको मना नहीं करते। अच्छा, नमाज का भी वहां पे कोई मसला नहीं है। अच्छा, हम स्पेशली जोर लगाते हैं कि जी, अगर वो कुछ कह दिया ना उन्होंने कि जी नहीं, काम का टाइम है तो नमाज नहीं हो सकती, तो आप ऐसे करें, तो आप उस पर हाइपर हो जाते हो, लो जी हमने नमाज नहीं पढ़ी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अच्छा, देखिए, आपने जमात के साथ तो पढ़नी नहीं है, क्योंकि वहां आप के मस्जिदें इतनी नहीं है कि आप हर नमाज जमात के साथ पढ़ोगे, तो करना क्या है, वैसे ही वहां पे 12:30 बजे के बाद वक्फा होता है, उस 12:30 के वक्फे में आप जोर की नमाज पढ़ सकते हो। उसके बाद 4 बजे एक वक्फा होता है, वो चाय का वक्फा होता है, कॉफी का वक्फा होता है, उसमें आपको दूध वगैरह भी देते हैं, आप उस 4 बजे वाले वक्फे में असर की पढ़ सकते हो। मगरब के टाइम वैसे खाने का वक्फा होता है, छुट्टी हो जाती है आपको, अगर ओवर टाइम कर रहे हो तो खाने का वक्फा होता है, उसमें आप क्या है, उसमें आप मगरब की पढ़ लो, ईशा की तो आप आराम से अपने घर में पढ़ोगे। तो बात यह है कि हर चीज को एक मेंटेन करते हैं। अब रोजों का महीना आता है तो ज्यादातर क्या होता है, रोजे रखते हैं, बड़ा हम जोशो खरोश से होते हैं कि रोजे आ गए हैं, तो उसको बताया, वो बड़ी इज्जत करते हैं, आप यकीन करें। हमारी कंपनी में ऐसा था कि हम जब रोजे रखते थे तो वो मालिक आके खुद बताता था उन सबको, मैनेजरों को, वर्करों को, कि ये जितना काम करते हैं इन्हें करने देना, इनको जबरदस्ती ना करना, बैठ जाएं तो ज्यादा अच्छा है ये, ठीक है। तो यार ये सारी चीजों का वो बड़ा ख्याल रखते हैं, उन्होंने ये सारी चीजें देखी हैं, क्योंकि वो भी गरीब मुल्क था, वो बाहर गए हैं, उन्होंने, मैं आपको इसके बारे में एक वीडियो बताऊंगा कि कोरिया ने तरक्की कैसे की, क्या कुछ हुआ वहां पे, इन सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। तो ऐसे ही, और जिनकी, यानी कि बता रहा था मैं, जैसे दाढ़ी वाले हैं माशाल्लाह वो तो ठीक है, बाकी जो है ये नहीं, शेवे बड़ी हुई हैं बस, ठीक है, कोई परवाह नहीं है, नहीं, अपनी शेव बनाओ, नहाओ, अच्छे साफ सुथरे रहो, ठीक है, वो गंदे लोगों को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, बड़े साफ सुथरे रहने वाली कौम है। तो इस वजह से आपको मैं यही अल्तमास करूंगा कि आप जो भी जबान सीखें वहां पे जाके, अच्छे वाली सीखें, अदब वाली सीखें, जिसमें आप बात करो अपने मालकान से तो इज्जत का एक पहलू नजर आए, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी बड़ी वैल्यू बनेगी, यानी कि आप अगर उसके वर्कर खड़े हैं इतने सारे, तो उसमें अगर आप तू करके उसे बुला रहे हो तो उसे बुरा लगेगा, चाहे वो मैनेजर है, चाहे वो मालिक है, चाहे वो सुपरवाइजर है, उसको बुरा लगेगा। इस वजह से अपनी जबान अच्छी सीखनी है आपने, ये कोशिश करनी है, इंटरनेट का दौर है, इसमें से देख लें, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो, और इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई सवाल करना हो कोरिया के मुतल्लिक तो वो कमेंट्स में कर दीजिएगा, मेहरबानी होगी। अल्लाह हाफिज़।